अगली खबर में बात करते हैं नसरुल्लागंज की, जहां वन विकास निगम लाड़कुई ने गश्ती के दौरान लाड़कुई नसरुल्लागंज रोड पर भादाकुई के पास एक नया टाटा एसी गोल्ड मैजिक सहित 27 नग सागौन सिल्लियां पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर वन विकास निगम लाड़कुई ने गश्ती के दौरान एक नया टाटा मैजिक गोल्ड का पीछा किया। पकड़कर देखा तो 27 नग सागौन सिल्लियां रखी पाई गयी। वहीं वन अमले द्वारा वाहन सहित 27 नग सिल्लियां जब्त की। वहीं वाहन चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। एक माह से भिलाई कच्छ क्रमांक 452 में सबसे आशीष श्रीवास्तव पदस्थ हुए हैं। तब से लगातार माफियाओं के हौसले पस्त कर दिए हैं, जिससे कि अब माफिया जंगल में जाने से डर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं न कहीं रात्रि का फायदा उठाकर माफिया जंगल की लकड़ी को काट कर ले जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आशीष श्रीवास्तव के द्वारा उनकी सारी कोशिशें नाकाम कर दी जाती हैं। नतीजा वाहन सहित माल जब्त किया जाता है। पिछले दिनों भी आशीष श्रीवास्तव के द्वारा कंधे से ले जाई जा रही सागौन की 12 नग सिल्ली को जब्त किया गया था, एवं एक टाटा सूमो जिसमें 16 नग जब्त किए थे। अब तक की देखा जाए तो एक माह में 55 नग सागौन की सिल्ली जब्त करने में वन विकास निगम ने बड़ी सफलता हासिल की है। 13 में 23 तुमने सब पढ़ लिया करो रास्ते में। हम्म।